त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री गुरुवे नमः। सोलहवां अध्याय देवासुर संपद विभाग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मन से पवित्र भय रहित ध्यान में मग्न इंद्रियों का दमन करने वाले दानशील एकाग्रचित वाले हवन इत्यादि कराने वाले वेद पुराणों का श्रवण एवं अध्ययन करने वाले भगवत भक्त परम पिता परमेश्वर का संकीर्तन करने वाले तपस्वी कष्ट सहकर भी निज धर्म से कभी विचलित न होने वाले सत्य वचन बोलने वाले हिंसा से दूर रहने वाले दूसरे की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझने वाले शत्रु का भी हित करने वाले कर्म भाव से पृथक मन को स्थिर रखने वाले किसी की भी निंदा न करने वाले दयावान शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले तेजस्वी समावान शरीर और मन से पवित्र अहंकार रहित तथा द्वेष भाव न रखने वाले प्राणी देवीय प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत पाखंडी अहंकारी अभिमानी दूसरों के समक्ष स्वयं को धर्मात्मा कहने वाले क्रोधी कटु वचन बोलने वाले अज्ञानी और दुर्व्यसनों में लिप्त प्राणी आसुर प्रकृति के होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिन प्राणियों की देवीय प्रकृति होती है वे भवबंधन से सदैव मुक्त रहते हैं और जो प्राणी आसुरी प्रकृति के होते हैं वे सांसारिक विषयों भोग विलास तथा तृष्टता में लीन रहते हैं। इन दोनों प्रकार के प्रकृतियों में देवी प्रकृति मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है और आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। हे अर्जुन, तू देवी प्रकृति का है, अतः शोक ना कर। हे अर्जुन, आसुरी प्रकृति के प्राणियों का मानना है कि यह संसार आश्रय रहित मिथ्या और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह संसार केवल भोगों को भोगने के लिए ही है। ऐसे प्राणी सबका उपकार कर अपकार करने वाले कुकर्मी और जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे दम्भी मान मद में युक्त कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण से युक्त संसार में भ्रमण करते हैं। आसुरी प्रकृति के प्राणियों के मन में यह धारणा बलवती होती है कि आज मैंने नीति या अनीति से जो धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह किया है उससे मैं धनवान हो गया हूँ, कल और धन अथवा मूल्यवान पदार्थों का संग्रह करूँगा। जो प्राणी अपने मन में यह विचार लाता है कि आज मैंने अपने एक शत्रु को मार डाला है और कल मैं अपने अन्य शत्रुओं का संहार करूंगा, मैं ईश्वर द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ, मैं हर प्रकार की सांसारिक सिद्धि से परिपूर्ण बलवान एवं सुखी हूँ, मेरा परिवार भी बहुत बड़ा और समृद्धशाली है, मेरे समान कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सर्व संपन्न हूँ, मैं यज्ञ और दान करके काफी सुखी हो जाऊंगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसी ही आसुरी प्रकृति के प्राणी तरह तरह के भ्रम अपने चित्त में पाल कर अज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष और मोह विषय भोगों आदि में आसक्त होकर नरक की यातना भोगता है। ऐसे ही प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ घमंडी मानकर वे झूठी शान मान धन और मर्यादा के मद में युक्त होकर शास्त्र विधि रहित नाम मात्र के हवन तथा यज्ञों द्वारा यजन का पाखंड करते हैं। हे अर्जुन, ऐसी आसुरी प्रकृति का प्राणी अपने बल शौर्य अहम भाव काम क्रोध मोह और विषय विकारों से लिप्त होने के कारण मुझ परमात्मा से विमुख रहता है तथा मेरे साथ द्वेष की भावना रखता है। मुझ परम तत्व को भूलकर वह अन्य प्राणियों को पीड़ित भी करता है तथा अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसे पापी और दुराचारी प्रकृति के प्राणियों को मैं बारम्बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हे कौन्ते, काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। जो प्राणी इन तीनों से विमुख होकर अपनी मुक्ति के लिए सदाचरण करता है और जो परम पिता परमात्मा को तत्व से जानता है वही मेरे दिव्य धाम का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी शास्त्र की विधि को त्याग कर सद्वचन का आचरण नहीं करता है और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता है तथा शुभ और अशुभ कर्मों में भेद नहीं कर पाता, ऐसा प्राणी ना तो कभी सुख पाता है और ना ही सिद्धि को प्राप्त करके परम गति पा सकता है, क्योंकि शास्त्रानुसार कर्म करने से ही प्राणी मुक्त होता है। 16वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सौरठ देश
जिसके राजा का नाम खड़क बाबू था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहती थी। महावतों को पास न आने देवे, जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बंधी रहे। इसके भेद से राजा ने और देशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, इस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या सामर्थ्य की जो मुझको मारे, यह मेरे पास भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु की चरण वंदना की और चुप खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। लोगों ने देखकर राजा को खबर की तो राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे आ चरण वंदना की। तब उस गीता पाठी साधु ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी ने देह छोड़ देव देही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और कहा, हे संत जी, आपने कौन से मंत्र का उच्चार किया है जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, जिसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। यह सुन राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन में जाकर तप करने लगा। 16वें अध्याय का पाठ नित्य किया करें, समय पाकर राजा मुक्ति को प्राप्त हुआ। ओ श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।